अस्सलाम वालेकुम मैं हूं और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज मेरे साथ मौजूद है हर दफा की तरह हमारे इन हाउस एनलिस्ट एंड पंडित और अभी तक जो तेरह नवंबर की पाकिस्तान की फाइनल की लॉस है जिससे रिकवर नहीं कर सके वो साहब हैं रेहानलहाक रेहान क्या हाल है आपना? नहीं मैं रिकवर कर चुका हूँ अच्छा वैसे रिहान मैं ये चीज़ सोच रहा था कि आप और मैं जिन्होंने 1999 नाइनटी नाइन देखा हुआ 1999 ने अगर हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ अच्छी की है वो ये की है कि अब हम जो मर्जी फाइनल हारे हमारा रिकवरी टाइम शॉर्ट है बाकी सब एक्जैक्टली exactly, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे लिए सबसे हार्ड ब्रेकिंग जो वर्ल्ड कप डिफीट है दैट्स 96 सिक्स बैंगलोर लाइक दैट वाज द मोस्ट द टफेस्ट डिफीट टू डाइजेस्ट बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप द वर्ल्ड कप इज बींग प्लेड इन इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल लाहौर में था तो क्वार्टर फाइनल जब बैंगलोर में हारे वो दैट दैट हर्ड अलॉट आपने तो एटी सेवन भी देखा होगा आपकी मेमोरियाँ बिल्कुल ताज़ा होगा इन एटी सेवन पाकिस्तान वाय फार द फेवरेट्स टू द पॉइंट के एटी सेवन के सेमीफाइनल से पहले वन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड क्रिकेटर्स एट द टाइम सेट के जो क्लब क्रिकेटर्स की टीम है ऑस्ट्रेलिया की तो इनसे तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया वेंटऑन टू इन द वर्ल्ड कप सो आई मीन

लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि टू बी अ ट्रू पाकिस्तान फैन हर जनरेशन के लिए जरूरी है कि वो नाइनटी भी एक्सपीरियंस करे अगर 92 का यूफोरिया एक्सपीरियंस किया तो 96, 99 का हार्ट heart, ब्रेक भी एक्सपीरियंस करे अगर 2007 का वर्ल्ड कप uh, की फाइनल की डिफीट आपने एक्सपीरियंस किया तो 2009 का यूफोरिया भी सिमिलरली इस जनरेशन के लिए अगर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का यूफोरिया है तो 2022 के फाइनल की हार्ट ब्रेक भी आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ बिंग अ पाकिस्तान फैन पार्ट बी एन पाकिस्तान फैन में मतलब पता नहीं स्टार्ट में ने क्या करना था एकदम से उस टेंजेंट पे चले गए तो हमने कहा उस तरफ ही चल पड़ते हैं लेकिन आज जो हमारा शो है वो ख़ास तौर पे फोकस करेगा फाइनल पर आई नो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं हमें भी मौका मिला टू गो ओवर ईच एंड एवरी फेज़ ऑफ द गेम तो हमने सोचा कि आज आपको एक प्रॉपर कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे सकें और बात कर सकें कि कौन से पॉइंट पर क्या फैसला गलत हुआ या कहाँ पर इंग्लैंड की डिसीजन बेहतर थी या कहाँ पर वी लॉस टू अ अनअल लैक ऑफ स्किल सो आज हमारी कोशिश यही होगी इस प्रोग्राम में लेकिन शुरुआत रिहान ने हार्ड ब्रेक से की जो एक पॉजिटिव चीज़ है ओवरऑल उस पर तो हम बात कर ही चुके हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट वो ये है कि पाकिस्तान की जो ये जनरेशन है इट इज़ स्टिल वेरी वेरी यंग And it will have more opportunities yeah. to bring glory for Pakistan. However, that does not mean that you do not learn from your uh, defeats, you do not learn from your mistakes. You either win or you, you learn. learn. Yes. Right? So, yeah. I mean, It's uh, जबरदस्त अच्छा है, है, चलते हैं इस मैच की तरफ इस मैच की सबसे पहले तो ये बात बात करते रहे सोच रहा था कि जब एक फाइनल होने वाला होता है उसकी अपनी एंटिसिपेशन तो होती है उसकी उसके साथ उसका बिल्डअप भी अपना होता है लेकिन जो एक कॉन्स्टेंट कॉमेंट्री चल रही होती है कि इट कैन प्रॉब्ली बी वॉश्ड आउट इट कैन पॉसिबली बी वॉश्ड आउट हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट इज वन एलिमेंट

तो इट डज़ प्ले अूज रोल इन हाउ यू प्रिपेयर फॉर द मैच एंड देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टिनटी देर इज अ लॉट ऑफ बट एज प्लेयर्स जो मैंने प्लेयर्स को देखा है दे आर जोन्ड इन उनका फोकस बहुत होता है ऑबियसली इफेक्ट तो करता है उनको लेकिन वो फोकस इतने होते हैं कि दे आर क्लियर इन देर माइंड्स एंड उनके टारगेट्स बहुत क्लियर होते हैं कि मेरी ऑपरचुनिटी आई तो मैं ये करूँगा मेरी ऑपरचुनिटी आई तो मैं ये करूँगा उस टू फिल्टर आउट ऑल द नॉइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील इन बिग मैचेज इन दीज थिंग्स हार जीत उट मैच आई ऑनेस्टली अगर आपके पास बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है तो आई डोंट रेट इट एज अ फेलियर आई थिंक इट्स जस्ट दैट डे बट पाकिस्तान अब ये कह सकते हैं हमारे पास सैंपल साइज है बिकॉज दो हज़ार इक्कीस uh, का वर्ल्ड टी ट्वेंटी फिर आपके पास श्रीलंका का एशिया uh, कप का फाइनल और यह वर्ल्ड कप का फाइनल तो आप पिछले दो साल में तीन ऐसे मैच हो चुके हैं थ्री इज नॉट अ बिग सैम्पल साइज बट वट आई एम से यू नीड टू लर्न फ्राम दीज मिस्टेक्स तो या इट प्लेज अ पार्ट बट आई फील प्लेयर्स आर अकस्टम टू इट प्लेज अब मैं इसी वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कोशिश ये की कि, कि जब भी हम बात करें आ, इस मैच की तो हम इस एलिमेंट को ज़्यादा दिमाग में ना डालें लेकिन उसके बावजूद वी रिसीव लॉट ऑफ क्वेश्चन आई जस्ट वॉन्टेड दिस कॉन्वर्सेशन टू बी हैड कि यार कितना इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से चलते हैं खैर एक और नैरेटिव मेरा आपसे सवाल है जी एक और नैरेटिव है जो सुन सुन कर सुन सुन कर जो है ना मुझे आप सुन लोगे हाँ वही है कि रन ऑन द बोर्ड आर रन ऑन द बोर्ड ठीक है तो मुझे ये बताएं रन दोर्ड ऑन द बोर्ड एंड बैटिंग पिछले दस वर्ल्ड कप्स के फाइनल में टी ट्वेंटी इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड कप नौ दफा टीम चेसिंग जीती है जी यार yeah, उसके अंदर भी आप हमेशा क्योंकि जहाँ पर टीम्स को लगता है ना कि आप डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं कर सकते इन क्वालिटी वहाँ पर आप हमेशा द सेफ नरेटिव टू टेक इज़ के प्रेशर सिचुएशंस में कौन कैसे रिएक्ट करता है आप अभी भी आप मैच में पाकिस्तान आप पाकिस्तान इंडिया की डिफीट पाकिस्तान पाकिस्तान की डिफीट द हैंड्स ऑफ़ इंडिया ले लें आप पाकिस्तान की डिफीट द हैंड्स ऑफ जिम्बाब्वे ले लें आप फ्रैंकली स्पीकिंग इस वर्ल्ड कप की डिफ़ीट ले लें कुछ आपके बहुत लीडिंग सेम माइंड्स या जो अच्छे क्रिटिक्स जिन्हें मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ एनलिस्ट वो भी आपको ये कह, कहते रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे बात प्रेशर की थी वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके दिस इज कमिंग फ्राम पीपल दिस इज कमिंग फ्रॉम पीपल जो खुद इतने जबरदस्त तरीके से प्रेशर हैंडल करते थे कि उन्हें फिर आई थिंक वो नैरेटिव उनका वहाँ से ड्रा ड्राइकिन मेरा मसला इस नैरेटिव से ये है कि ये देखें ये बहुत पुराना हो गया एंड दिस इज आई आई डोंट वांट टू से दिस दिस बट इज

फिर आ जाता है आपका टी ट्वेंटी सात में इंडिया जीती है वेरी क्लोज मैच बैटिंग फर्स्ट उसके बाद से अभी तक ओनली वेस्ट इंडीज है या ओडिया हो जिसमें पहले बैटिंग की है नहीं लेकिन अगर आपने, तो तो आपने डिफेंड किया था ना

उसके अलावा आप कोई भी मैच उठा कर देख लें अपनी हिस्ट्री में जाकर देख लें yeah. so, <laughs> ले थिंग स्कोर ही बड़ा काम था। the, the is, score, ज्यादा कम की बात यह है कि प्रेशर की अक्सर लोग बात करते हैं जी स्कोर बोर्ड प्रेशर स्कोर बोर्ड प्रेशर बॉलर पर भी उतना ही होता है अगर बॉलर को पता है अब मैं आपको स्कोर बोर्ड प्रेशर की एग्जाम्पल देता हूँ पाकिस्तान डिफेंडिंग अंडर वन फोर्टी ठीक है पाकिस्तान

एंड पाकिस्तान आर सडनलीड ऑफ द डीएल मेथड तो जस्ट बाय ड्राइंग आउट रन्स यू पुट योरसेल्फ इन दैट पोजिशन चलिए मैंने जो एक्चुअल सवाल पूछना था जो हमारी कॉन्वर्सेशन में वैसे ही ड्राइव हो गया वो था कि टॉस करके क्या इंग्लैंड का फैसला दुरुस्त था या पाकिस्तान का फ़ैसला क्या होता अगर पाकिस्तानी होता बट आई थिंक बाबर ने भी उस दिन यही कह दिया था कि वी वुड हैव लाइक टू चेजेस वेल वक्त हो रहा है ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील डाउ स्पेसिफिक एपिसोड इन द मैच जहाँ पर हमें लगता है कि पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज़ किया या पाकिस्तान वॉज बिहाइंड इंग्लैंड तो जॉइनस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक विल बी बैक वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ जनरल कॉन्वर्सेशन करे थे अबाउट पाकिस्तान फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड एट दी ट्वेंटी वर्ल्ड कप अच्छा रिहान अब चलते हैं कुछ स्पेसिफिक एपिसोड्स पर पाकिस्तान पहले बैटिंग करा था इंग्लैंड आज पाकिस्तान टू बैट कुछ की एलिमेंट्स थे जिसके अंदर सबसे पहला जो की एलिमेंट जो हमें नजर आया वो ये नज़र आया कि पहले स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान स्ट्रगल टू गेट A boundary away. The first boundary that came, if I'm not mistaken, was that six by Rizwan to Wokes. Right? Yeah. What a shot. What a shot. And that too was, I believe, in the third over, yeah. if I'm not yeah. mistaken. Yeah. Barber clearly struggled to get some form of rhythm going inside the power play. Baad mein chalein, hai, the jaan. ball was seeming around a bit. The ball was doing yeah. a lot of things. First, so I that. Yeah.

लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी आप इंटेंट शो करते हैं तो आप स्कोर कर जाते हैं कभी कभी आप इंटेंट शो करते हैं शो करते हैं आप मारते हैं आपका फिर भी आठ स्कोर होता है बारह बॉलों पे बट एटलीस्ट ट्राइड। ठीक है तो ऑल यू कैन अ प्लेयर ऑल यू कैन आस्क फ्रॉम एथलीट इज टू गिव देयर बेस्ट एंड ट्राइज ऑफ हिट एंड एक बाउंड्री गोट अवेज एक्टली अदर थिंग पाकिस्तान को ये चीज रियलाइज़ करनी पड़ेगी हारिस इज़ नॉट ग्रेट अगेंस्ट लेग स्पिन ठीक है ठीक है हारिस विल नीड टाइम टू डेवलप अगेंस्ट लेग स्पिन वो जिस टाइम पे आया आपको पता है अगला ओवर आदिल का तो मे बी इन दैट सर्कमस्टांस आप चेंज कर सकते हैं लेकिन चलें ठीक है आपका पावर प्ले में स्कोर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था तो आपने उसको भेजा कि यू नो मे बी ही वुड अटैक एंड यू नो गेट यू अबव पार इन द पावर प्ले एट एम सी जी एंड द अदर थिंग अबाउट एम सी जी इज़ के you know, जो हमने देखा जो हम बार बार बात करते हैं कि पावर प्ले इतना इंपॉर्टेंट है एम के अंदर कि आप अगर पाँच से दस रन भी आगे होना एम सी जी पावर प्ले के बाद नॉट इन टर्म्स ऑफ विकेट्स इन टर्म्स ऑफ रन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर टीम टू कैच अप बिकॉज बाउंड्री तो लगती नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर ठीक है और एंड एंड ऑल अलॉर्ड ऑफ पीपल हाइड के पाकिस्तान को डबल्स वगैरह करनी चाहिए मेरा सबसे गुजारिश है कि आप देखेंगे पाकिस्तान ने कितनी डबल्स नहीं और कंपेयर करें इंग्लैंड ने कितनी डबल्स नहीं तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान हैड अ हायर परसेंटेज ऑफ टूज इन द मिडल ओवर्स ठीक है इंग्लैंड इज नॉट वन बिकॉज इट टुक मोर टूज इंग्लैंड वन बिकॉज ए हेट मोर बाउंड्रीज ठीक है एट क्रूशल स्टेजेस एज वेल सो इट्स एज सिम्पल एज दैट एंड आई डोंट सी एनी इशू विद हारस प्लेंग एट थ्री बिकॉज वाई वुड यू चेंज दैट इन द फाइनल अच्छा लेट्स टॉक अबाउट बाबर फॉर राइट मैं अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट इस कैप्टनशिप अभी हम सिर्फ बैटिंग की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं क्योंकि अब अब हमारे पास दो टूर्नामेंट्स खैर वैसे टेक्निकली तो हमारे पास तीन टूर्नामेंट्स का सैम्पल साइज सही तरह होना चाहिए

how much do you think babar was bogged down because of the pressure of the situation because jo would twos bhi dekh rahe the aur chip kar rahe the ya wo keh rahe the aapko a cautious approach unme nazar aa rahi thi that's number 1 number 2 it is still quite alarming for a player of babar's quality ke jinhne matlab अभी वो adil rashid ने ball पकड़ा ही है और सारे commentators ने कहा है कि adil rashid has a, a good success rate against babar especially with his googly and then we see a really really sharp googly and he gets out but i think that's that's okay because no player is like uh we all know babar has a uh, woeful record against the googly theek hai and we all know that he's improved in terms of the fact that he doesn't get out as much as he probably used to at one point in his career theek hai yeah हर बंदा बात करता है कि स्वीप शॉट डेवलप करनी चाहिए वो ऑब्वियसली डेवलप करनी चाहिए स्वीप इज़ अ वन थिंग जो कि स्पेशली पाकिस्तानी बैटर्स के लिए तो बहुत जरूरी है अगर आपसे स्पिन पिक नहीं हो रही फ्रॉम द हैंड तो द बेस्ट वे टू डू इज स्वीप फेवरेट इंटरव्यूज ऑन दिस ऑन वाय स्वीप इज रियली इंपॉर्टेंट इज ब्रायन लारा सेट टू सारवान श्रीलंका टूर के ऊपर जिसमें कुछ छः सौ स्कोर मारा था लारा ने तो सारवान ने कहा कि आर यू पिकिंग मोड़ली तो उसने कहा कि नो no. तो उसने कहा और यू स्कोर मैंने कहा था स्वीपिंग तो बेसिकली उस टू का एवरी अदर डिमिस स्वीप द बॉल दैट्स वन वे टू टैकल इट

परफॉर्म्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन इन दैट टूर्नामेंट टोटल आप पांच दफा वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे हैं इक्कीस बीस इक्कीस दफा में से ठीक है तो उन दो पांच में से एक ये था तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है ठीक है ये ऐसे बात हम करते हैं जिस तरह 20 में से हमको 15 वर्ल्ड कप जीते हो ठीक है तो एक कहने का मकसद ये कि बाबर आई आई फील के ही डज नीड टू डेवलप हिस्स टी गेम इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट के थोड़ी सी हिटिंग एबिलिटी बेहतर करनी है थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन बेहतर करनी है आ,

कि उसके जहन में टेम्पलेट एक बना हुआ है उसने वही टैम्पलेट करना है तो ही चूज इज़ नॉट टू डू इट सो ही टेक्स अ गेम डीप दैट इज़ अ वेरी रिस्की अप्रोच इफ़ यू गेट आउट अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट ग्लेयरिंग इशू दैट पीपल हैड विद द फाइनल बाबर आउट होते हैं आदिल रशीद बॉलिंग करा रहे हैं और इफार अहमद आ जाते हैं खेलने के लिए और इफार अहमद जो पहली दो तीन बॉलें खेल रहे होते हैं वो एकदम से आपको लगता है कि शेन वॉन रीन कार्नेट

साइज आपका आपका कुछ कुछ और कुछ और 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 कहता है है पूरा पूरा करियर का स्ट्राइक रेट व्हाट 104 103 अगेंस्ट स्पिन आप उसको उस मौके पर भेज रहे हैं पे स्पिनर बॉलिंग बॉलिंग कर रहा ही वेल एंड आपने बेसिकली कहा कि ओवर मिडन टूट गया, उसके सारा आपका गया pacer, है? इसका थोड़ा सा आपको <coughs> के बिल्कुल उस आदिल रशीद के एक ओवर से बिल्कुल पहले वो लियम लिविंगस्टन वाला ओवर था जिसमें शान यस यस हैड टेकन शाम यसन दू अच्छा England मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ आप 2022 में शादाब हिट्स अ बाउंड्री अगेंस्ट स्पिनर्स एवरी 4.5 पॉइंट फाइव बॉल्स ठीक है इन हि फर्स्ट फोर बॉल्स ही बाउंड्री एवरी टाइम अगेंस्ट स्पिन ठीक है तो अगर कोई आउट हुआ है तो और स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो बेस्ट बंदा वो है अगर वो नहीं चलेगा तो इफ्तार तो आ ही रहा है ना ठीक है

from his national t20 cup with kp uh, when he was player of the tournament in every one of them where he's been the star player of his team he's been he's played as a finisher essentially so i mean middle order pakka middle order is little resources maximize your resources, if has a higher chance of hitting sam karan than shadab shadab has a higher chance of hitting adil rishi then yeah <laughs> yeah yeah and exactly like you use your resources na, ठीक ओके तो वो ग्लेरिंग आई फील दैट वॉज अ ग्लेयरिंग मिस्टेक एज एज दैट सोन इवन इफ इट वर्कड यू न्यू एवरी वन हुज़ वॉच्ड पाकिस्तान क्रिकेट ओवर द लास्ट टू ईयर्स नोज एंड कि ये जब हुआ है तो इट इफ इट केम ऑफ इट वु बीन अ लॉटरी बट इट वॉज नॉट अ लॉजिकल चॉइस वक्त तो रहे ब्रेक का लेकिन मैं सिर्फ जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा शान मसूद ने उस वक्त जो शॉट खेली जिसकी वजह से वो मिड विकेट पर आउट हुए फिर खैर नवाज <laughs> आए वो आउट हुए शान ने उसके बाद कहा कि जी आई टेक द ब्लेम फॉर दिस इस वक्त मैं आपको एक चीज़ ही मेरे शान मसूद को भी पैगाम है और अगर वो सुन रहे हो इस बात पे देखें आप ना टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं सही है दिस कल्चर ऑफ सेइंग के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इट मींस इन माय आईज इट मींस दैट टीम जो है ना वो सबसे पहले आती है उसके बाद आता है इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ टीम हैज़ गिवन यू आर रोल टू डू सम थिंग एंड यू थिंक एट दैट मोमेंट आई शुड डू दिस दैन ओवर थिंकिंग अबाउट इट इज गोइंग टू मेक यू मोर प्रेशराइज नेक्स्ट टाइम दैट सिचुएशन कम्स ठीक है टीम का मतलब ये है ग्यारह बैटर खेल रहे हैं ना ठीक है तो आप मुझे बताएं अगर आपके दस आउट हो गए होते ना तो मैं शान को जरूर ब्लेम करता कि ये क्या किया इसमें ठीक है यस मिड विकेट के ऊपर हम हमारे बहुत प्लेयर आउट हुए यस वैव न सिंगल्स एंड डबल्स एंड यू नो बट दैन अगेन यू थिंक यार हमने हमारा सिमिलर सिचुएशन sort of के अंदर साउथ अफ्रीका से मैच था वेर वी चोज टू अटैक देन पीपल से ओ नो एम सी जी अ मच बिगर ग्राउंड फाइन आई गेट ऑल ऑफ देट बट वैन दैट हैपन्स आप कह रहे हो जी मेरी जिम्मेदारी है और हर प्लेयर इस टीम में आके कहता है मेरी जिम्मेदारी है कहने का मकसद यह है कि आप एज टीम जो है ना उन सब की जिम्मेदारी है एक बंदा कभी भी ये नहीं कह सकता मेरी जिम्मेदारी है जब मैच हारो ना या मैच जीतो ना एक बंदे ने मैच जिता सकता ना एक बंदा मैच हरा सकता इट्स एज सिंपल एज दैट वक्त हो रहा है ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को इस शो का हिस्सा बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट सम अदर स्पोर्ट्स एज वेल तो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज वी विल बी राइट बैक वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज हम बात कर रहे थे अभी तक पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के आई सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल पर इससे पहले कि हम कॉन्वर्सेशन आगे लेकर चलें या आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाते चले कुछ और स्पोर्ट्स भी हैं स्पोर्ट्स लाउंज पर मैं बड़े अरसे से कुछ और स्पोर्ट्स कवर नहीं किए तो जल्दी से आपको एक जल्दी से एक हेडलाइन देता चलूँ कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम आफ्टर फोर ईयर्स प्लेड एन इंटरनेशनल मैच वंस मोर एंड दे प्लेड अगेंस्ट नेपाल बहुत एक मोमेंटस ओकेजन था ये जिसमें मेरे लिए कुछ की टेक ये थे कि चार साल बाद पाकिस्तान की टीम फील्ड में उतरी एंड दे वो लेट बाई हसन बशीर वंस मोर हसन बशीर हम मतलब मैं बड़ा आराम से कहूँ कि स्पोर्ट्स लाउंज जो दोनों इस वक्त hmm. लोग बैठे हुए हैं वो बहुत बड़े फैन बॉयज़ हैं ऑफ़ हसन बशीर पाकिस्तान के आठ लड़कों ने डेब्यू किया और वो मतलब बहुत बहुत, बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट था पाकिस्तान लॉस द गेम बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई रियली डोंट पर्टिकुलरली केयर अबाउट द रिज़ल्ट

सो सो दिस इज दिस इज दिस वॉज अ वेरी वेरी हार्टनिंग थिंग अगेन मैं आई लाइक टू कीप द फोकस ओनली ऑन द फील्ड एंड ओनली ऑन फुटबॉल के प्लेयर्स वरना आपको बताता चलूँ पी एफ ए कुछ चार पाँच महीने हो गए हमने सवाल भेजिए इंटरव्यूज़ की रिक्वेस्ट भेजी है उन्होंने फैसला किया कि जवाब ही नहीं देंगे ना ट्रांसपेरेंसी होगी ना कोई हमें कुछ कह सकेगा बट दैट्स वेटी मच दो रनिंग फुटबॉल चलते हैं ट्वीट्स की तरफ चलते हैं बॉलिंग उसी में कोशिश करेंगे कवर कर ले पाकिस्तान की इन दिस मैच सो स्टार्ट ऑफ विद द ट्वीट्स वी हैड अ लॉट ऑफ ट्वीट्स कमिंग इन सो वी विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज वी पॉसिबली कैन लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन फिर हम यहां से चलते हैं आगे से जारी का सवाल है रेहान नवाज ने बॉलिंग क्यों नहीं कराई फाइनल में इफतखार वॉजेंट एक्चुअली अ गो टू बॉलर एंड सिंस नवाज हैज ऑलरेडी बोल्ड इन दीज सर्कमस्टांसेस डोंट यू थिंक बाबर शुड हैम टू बोल द रिमेनिंग ओवर ऑफ़ शाहीन इसमें मैं जारी पहली बात तो ये करूँगा कि दो लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त आई थिंक प्रॉब्बली ये सोच यही थी कि इफ्तार को दे ओवर नंबर वन नंबर टू ये है कि जब आप डोमेस्टिक में भी देखें तो एक दो मैचेस में मैंने देखा है डेथ पे इफतार बॉलिंग करते रहे हैं Uh, that has happened, hmm. एक आधे मैच में तो उन्होंने भी मीडियम पेस कराई थी और तीसरी बात यह फ्लिप क्वेश्चन करता कि अगर हम लोग यही होता कि नवाज ये बॉल कराते और नवाज को स्कोर पड़ जाता तो हम सारे ये कहते हैं इंडिया के खिलाफ भी तेरा नहीं डिपेंड कर सकाने अब क्यों कहो शाइन वाला बेन स्टोक्स शॉट मारता है उसको लगता है मैं आउट हूँ वो भागता भी नहीं हूँ पुट्स अ सेट बैक एंड द बॉल फॉल्स शॉर्ट ऑफ बाबर ठीक है जो वो चौका मारता है स्टोक्स इज अ स्टनिंग शॉट ठीक है जो वो छक्का मारता है इज नॉट मेडल्ड सम हाउ गोज फॉर अ सिक्स ठीक है द पावर ऑफ द मैन एंड एवरी थिंग बट अगर आप वो ओवर दोबारा देखेंगे तो वो पहली बॉल में विकेट निकल सकती थी और उधर से अगेन यू वुड माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट ओवर माई प्रॉब्लम इज के इंग्लैंड का एक बहुत सीधा साधा टेम्पलेट है ठीक है वो ये है कि उनका डेटा उनको ये शो करता है कि द ईजिएस्ट उनका नहीं दुनिया का डेटा आपको ये शो करता है द ईजिएस्ट ओवर्स टू बॉल इन टी ट्वेंटी मैच आर द फर्स्ट एंड द सेवन ओवर ठीक है वो हमेशा अपने छठे बॉलर को या पहला या सातवां ओवर देते हैं इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान से ये गलती हुई कि सातवां ओवर शुड हैव बीन गिवन टू सामा लाइक एन इफ्तार इस वाले मैच में ये गलती हुई कि सातवां ओवर शुड हैव बीन गिवन टू नवाज गिवन हाउ यू सॉ द पिच स्पिनिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स ठीक है

क्रिकेट में तो नहीं इतने यूज होते हैं मैचअप यानी कि ये तो सिर्फ बातें हैं एनालिस्ट कर रहे हैं आप बटलर का इंटरव्यू सुने हाउ ही यूज हिज मैचअप्स ठीक है आप जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज उनके सक्सेस की वजह देखें स्कॉटलैंड को देखेंगे स्कॉटलैंड एक्चुअली उनके पास तो नोट्स थे जिसके बाद में मजाक भी बना पड़ा कि इसके पड़ के ऊपर क्या लिखा हुआ तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आई थिंक दिस गार्डिंग दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ आइडियाज एंडी आइडिया कौन सी टीम की कोच है अच्छा खैर चलते हैं जी अगले ट्वीट नहीं मैं अगर कहता अपनी बात करता तो फिर आपने कहना था ओ माय गॉड दिस गाय लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन जी लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन हां जी हमजा सिद्दीकी का सवाल है शुडन पाकिस्तान कंसीडर फहीम अशरफ अगेन इन टी टी20स आई सॉ रेहान भाई इस ट्वीट एक तो रेहान भाई भी जो अपनी ट्वीट करते हैं ना मसला आधा वहीं पर शुरू हो जाता है जिनमें उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ इज क्विट एन इम्पैक्ट प्लेयर इन टी ट्वेंटी लाइक इन दिस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वी नीडेड अ प्लेयर लाइक फहीम एंड इन टी ट्वेंटी यू नीड अ पेस ऑलराउंडर विच फहीम कैन फुलफिल वेल अब मैं यहाँ पर हमजा आपको सीधी तरह एक बात करता हूँ हमने फ़हीम के बारे में इतनी बात की है शो पर रेहान प्रॉब्बली इस पर और फर्दर बात नहीं कर सकते मैं, मैं मैं नहीं करेंगे मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात कहूँ कि मुझे अगर आज आप फ़हीम अशरफ ऑफ़र कर दें फ़ॉर मुल्तान तो मैं आके बंद करके ले लूँ मुझे अगर आप फ़हीम अशरफ ऑफ़र कर दें फ़ॉर एनी ऑफ दी अदर टीम्स आउट ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल लीग्स में कंसल्टेंसीज होती हैं स्पेशली इन कंडीशन में मैं फ़ही मशरफ वो डेफिनेटली बी वन ऑफ माई टॉप थ्री कंटेंटस फॉर द रोल दैट वी थिंक यी कैन फुलफिल फॉर पाकिस्तान सो so ये मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ अब रिहान ने अपने मेट्रिक्स बनाए हुए हैं फॉर इम्पैक्ट और क्रिकविज ने भी अपने मैट्रिक्स बनाए हुए फॉर इम्पैक्ट नहीं मैं रुक जाओ यार हाँ, तुम्हें वो तुम्हें अटैक ता नहीं कर रहा हाँ, मैं वो बता रहा हूँ मेरे नज़दीक भी वो मैंने वो मैंनेट मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं सारे सारा कुछ है, है। उसके अंदर ओवर द लास्ट फोर ईयर्स फहीम अशरफ का इम्पैक्ट प्रॉबली पी एस एल में इज इन द टॉप फोर इफ नॉट हायर राइट सो मैं तो पर्सनली आई बिलीव कि पाकिस्तान

न्यूजीलैंड देख लें साउथ अफ्रीका में उसकी परफॉर्मेंस देख लें इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देख लें और दूसरा उन्होंने कहा कि रिहान भाई ने एक ट्वीट पोस्ट की थी रिहान भाई ने कहा इम्पेक्ट रिहान भाई ने नहीं कहा इम्पैक्ट का ये आ, मैंने सबसे बेसिक आपने क्रिक्वेस्ट की बात किया मेरी बात की मैंने ना क्रिक्वेस्ट का लगाया ना अपना लगाया क्रिक इन्फो हैज़ अ वेरी बेसिक टूल विच इज़ कॉल्ड मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इम्पैक्ट रेटिंग ठीक है तो आप कोई भी पी सीजन जाए उसके ऊपर जाके एम के ऊपर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप फिफ्टीन एम हर साल कौन होते हैं अच्छा अब मजे की बात यह है कि फहीम मेक्स डेब्यू इन पी एस थ्री या ही इज नंबर फाइव इन ओवरऑल इंपैक्ट्स ही प्लेज पी एस फोर ही इज नंबर वन इन ओवरऑल वो आई थिंक क्या नाम है पी एस फोर में तो हैट्रिक uh, वाला सीजन था ना uh, PSL 4 वाला? 19 19. 237, और 237 वर्सेस 200 हो रहा है और वो एक बंदा 6 फॉर 19 ले रहा है Then you come to PSL 5, which is his only bad season, hai? which also then happens because the Pakistan team is not strong. you come to PSL 6, he is number 13. However, he cannot bat in the last 5 matches because he breaks his hand. Not breaks his hand, webbing uh, cut. So right? he cut. can't bat. So he can't bat. I think the playoff tha, uh, against uh, Islamabad, Fahim came into bat 11. Yeah. And then in PSL 7, he was in the top 10 again. तो अगर आपका एक बंदा पाँच में से चार साल टॉप टेन में रह रहा है और ये दुनिया की सब ये दिस इज बेसिक इम्पैक्ट रेशो yeah, yeah. तो उसके अंदर अगर तो मुझे नहीं समझ आती कि वाई वो इट्स बेसिकली द रीजन दैट आई गॉट इन टू दिस ट्वीट थ्रेड वॉज बिकॉज समन आशमी वाई रिटेन फहीम तो अच्छा। पाकिस्तान के लिए तो मुझे समझ आती है कि चलो आपको जी पाकिस्तान की नई परफॉर्मेंस ये वो इस टीम के लिए तो कोई मुझे बताएं पी में अपने आपको भी करेक्ट करता चलो मैंने रिहान yeah. uh, आखिरी ट्वीट लेते हैं शो ये सवाल सवाल कम स्टेटमेंट ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता कप्तान कौन है अगर वो रफ पैच से गुजरेगा mm. तो फॉर्मर क्रिकेटर्स Would want him removed, stating captaincy burden is too much for him. ex-cricketer Your team and sits outside the boundary and takes captaincy burden. We tried that technically. we not tried that once. We've tried that more than <laughs> once. <laughs> we technically tried we've that tried with tried a that. Uh, coach. We've tried that a lot of times actually. Yeah. I'm just thinking back to the nineties and early <laughs> 2000s and but here's the thing. Uh,

जिसकी फॉर्म में डिप आया हो आफ्टर ही बिकेम कैप्टन जावेद मी आदाद येस बट द डिप वॉज वेरी स्लाइट इन वनडे इंटरनेशनल वेरी स्लाइट इट वॉज अ बिग डिप ठीक है यू कॉन्ट कॉल इट अ डिप एक्चुअली सही है एवरी कैप्टन मोस्टली कैप्टन इंजम्सरसी रिकॉर्ड इज इन ग्रेट बटलिंग खानसो लिटिल डिप इन डे लिटिल डिप बट वेरी लिटिल अगेन नॉट सिग्निफिकेंट तो मुझे बताएं ये जो पाकिस्तानी कैप्टनसी प्रेशर है ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है दिस इज बिकॉज यार एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई ना सर्टन लेवल तक खेलना है अच्छा फिर दूसरी थे थे दूसरी बात ये, बार ये बार 92 है. का है, नास 92 नास का का हाँ वर्ल्ड कप की बार बार खान प्रोबेबली पाकिस्तान ठीक है इमरान खान डिड नॉट विन हज फर्स्ट वर्ल्ड कप एज कैप्टन ठीक है इमरान खान डिड नॉट वेयर कॉर्नर टाइगर शर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1992 ही टू ये इन 1987 एटी की सेमीफाइनल टू तो ये नैरेटिव्स <coughs> बस वही हैं कि वी जस्ट रैंडमली से वो, वो बेस्ट था ये दादाजी तो हमारा आज का शो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा अगर आपको मेरे लेफ्ट पे बैठे ग्रंपी अंकल की बात से कोई इख्तलाफ़ हो तो आपके पास इनका ट्विटर हैंडल है जितनी आपने दुआएं देनी है आप इन्हें ज़रूर दें अगली दफ़ा तक के लिए रिहान लक और हैदर अज़र को इजाज़त दें आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंड बाई व न्यूज़ टिल नेक्स्ट टाइम खुदाफ़